नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू मिदावीज किचन। आज अष्टमी है और हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। आज हम बना रहे हैं कुट्टू के आटे के पकौड़े। नए हैं आप इसे ट्राई करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ये लिया है हमने 2 कप कुट्टू का आटा, ठीक है, और ये लिया है हमने 1/2 कप मठा, थोड़ा सा डालेंगे हम 2-3 टेबलस्पून इसमें। ये लिए हमने पिसी हुई हरी मिर्च, हमने ग्राइंड कर ली है, और ये लिया है हमने हरी धनिया। ये हमने आलू देखिए इस तरह से काट लिए, जैसे हम चिप्स में करते हैं ऐसे आलू हमने काट लिए हैं पकौड़े बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कुट्टू का आटा है। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक थोड़ा सा नॉर्मल नमक से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिए इसमें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मठा। मठे से क्या होता है, क्रिस्पीनेस आती है, क्योंकि हम इसमें वो नहीं मिला रहे हैं बेकिंग पाउडर, तो हम ये डाल देंगे। फिर हम डालेंगे हमने जो ग्राइंड की हुई थी वो हरी मिर्च। हरी मिर्च का ध्यान रखिए, अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले लीजिए, और अगर कम खाते हैं तो ठीक है। और फिर हम इसमें डालेंगे अपनी हरी धनिया। ये देखिए हरी धनिया थोड़ा जेनरसली डालिए, थोड़ा ज़्यादा डालिए हरी धनिया। और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, हाथ से घिस के डाल देंगे तो बेटर रहेगा। और ये डालेंगे अब हम इसको थोड़ा सा, जैसे पकौड़े का आटा बनाते हैं वैसे थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मार लीजिए, क्योंकि जैसे हम पकौड़े का आटा करते हैं तो हाथ से करेंगे तो बेटर रहेगा, तो हमें पता रहता है कि पानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है जब हम हाथ से बनाते हैं। तो इस तरह से आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाइए, तो आपको पता चलेगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या किसी का उपवास होता है और आप ये बनाएंगे तो एकदम नई डिश होगी। आप ऐसे आप डाल दीजिए और एक एक लपेट लीजिए और डालिए। प्रोसेस सेम है जैसे हम बेसन के भजिए डालते हैं, बिल्कुल बासी डालनी है आपको। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई चीज तलते हैं कढ़ाई भर के डालिए, बिल्कुल तेल नहीं वेस्ट होना है, पूरी कढ़ाई भर जाना चाहिए, तभी आपका टेस्ट होता है कि आप एक अच्छी गृहिणी हैं या नहीं, आप एक अच्छे कुक हैं या नहीं। देखिए हमारी कढ़ाई पूरी भर चुकी है, साइड हो जाएगा तो हम इनको पलट देंगे। अरे पकौड़े बन के तैयार हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। याद रखिए जब भी आप कोई भी चीज़ तल रहे होते हैं और निकालते हैं तो उनको साइड में ऐसे रखिए ताकि पूरा तेल या घी ड्रेन हो जाए। और ये जो तेल हमने लिया है ये मूंगफली का तेल लिया है, क्योंकि ये उपवास में चलता है। याद रखिए आप उपवास में सोयाबीन का तेल नहीं यूज़ कर सकते। कुट्टू के आटे के पकौड़े बन के तैयार हैं, आलू वाले, आप खाइए इसको, बहुत अच्छे लगेंगे आपको।